नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज़ थी। दोस्तों, चुनाव का अनाउंसमेंट 10 या 12 दिन के अंदर जी की हो जाए, लेकिन सबसे जी की बड़ी खबर निकल के आ रही है चुनाव आयोग से कि अरुण गोयल जी ने अपना इस्तीफा दे दिए हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा को स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, चुनाव कब अनाउंसमेंट होगा और चुनाव जे की कब जे की होगा, उससे पहले देश में कितना बड़ा जे की खेला जे की हो रहा है, इस पर जे की विचार करने योग्य बात। चुनाव आयोग राजीव जी पूरा जे की घूम करके अपना सर्वे, अपना सब कुछ जे की प्रक्रिया कंप्लीट कर रहे हैं। इसी बीच यह दुखद खबर कहिए या लोगों के साथ ये क्या हो रहा है, इसके बारे में ये कि आप कहें, अरुण गोयल जी ने चुनाव आयोग से इस्तीफा दे करके यह क्या अचंभित कर दिए। देश में एक तरीका से ये कि इस विषय को लेकर के चर्चा का विषय ये कि बन चुका है और देश में हड़कंप मची हुई है कि चुनाव से पहले ये सब क्या हो रहा है। दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी जी की है, उसके तहत सब कुछ जी की आपको उपलब्ध है, लेकिन देश में डिटेक्टर का मांग करने वाला कौन ऐसा व्यक्ति है जो 89% तक सर्वे को जी की कंप्लीट करा दी है? क्या आप डिटेक्टर मांगते हैं या कोई अन्य लोग हैं जो डिटेक्टर की मांग करते हैं? डिटेक्टर के बारे में आप सोचिए और समझिए, नहीं समझ में आती है तो गूगल सर्च कर लीजिए। डिटेक्टर का मतलब होता है तानाशाही, तानाशाह। अब जे की पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यह सर्वे करने में जुटी है कि कौन सा पार्टी जी की भारत में वोट परसेंटेज बढ़ा रही है, कौन सा पार्टी जी की चुनाव जीत रही है, किस पार्टी को कितना जी की वोट जी की मिल रहा है, कितना सीट जी की मिल रही है, कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। लेकिन एक विदेशी सर्वे डिटेक्टर पर जी के सर्वे कर रही है कि किस देश में डिटेक्टर की आवश्यकता है, तानाशाही की आवश्यकता जी की पड़ रही है, किसको चाहिए तानाशाही। उसमें भारत 89% पर जे कि अपना सर्वे मत पहुंचा दिया है। अब आपसे सवाल है कि आप बताएं कि आपके पास जे कि क्या जेल जाने का प्रावधान नहीं है, आपके पास जे कि कानून नहीं है, आप जे कि किसी भी तरीका से उल्लंघन करते हैं तो आपको जेल नहीं होता है, आपके पास जे कि कानून है, आप एक कानून के दायरे में रहते हैं, क्या इस सब चीजें से जी कि आप संतुष्ट नहीं हैं? जो डिटेक्टर की मांग की जा रही है भारत देश में कि डिटेक्टर आएगा तो इस सब चीजें जी कि आसान कर देगा, आप जाम में फंसे हैं तो जाम से जी कि कहीं ट्रैफिक जाम में आप फंसे हैं तो आपको निकालेगा डिटेक्टर आकर के? डिटेक्टर आकर के जाम से निकालेगा? नहीं, आप डिटेक्टर के खिलाफ जी की आवाज आप पूछ सकते हैं कि जी की आप कह सकते हैं कि हमें इस चीज की जरूरत है, तो उससे पहले डिटेक्टर आपकी आवाज को बंद कर देगा। आप ऐसे अनेकों देश आपके सामने हैं, चीन है, उत्तर कोरिया है, ऐसे जी की रूस है, ऐसे जहां पर जी की चुनाव नहीं होती है और जी की डिटेक्टर जी की फॉलो जी की करती है वहां। अब उस चीज को जे कि भारत में लाने की बात कही जा रही है, 89% वो कौन से ऐसे लोग हैं जो वोट कर रहे हैं कि हमें डिटेक्टर की जरूरत है? क्या आपको भी डिटेक्टर की जरूरत है तो आप जे कि जरूर बताइए। तानाशाही, डिटेक्टर का मतलब तानाशाही होता है, तानाशाह होता है, आप जे कि गूगल सर्च करके देख सकते हैं और इस बात को जे कि आप पता कर लीजिए कि भारत में, मैं एक जे कि रिपोर्ट थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं यहाँ पे, आप देख लीजिए कि
कि भारत के लोगों ने 89% से ऊपर ये कि कर दिया है वोट कि हमें डिटेक्टर चाहिए, हमें शासक चाहिए, लोकतंत्र से काम नहीं चल रहा है, यहाँ प्रजातंत्र नहीं चाहिए, यहाँ एक मजबूत शासक चाहिए। तो आप बताइए, शासक का मांग करना सही है या गलत है? आप जरा सोचिए कि इस देश को आजाद करने के लिए कितनी जी की मेहनत की गई है और आपका अपना जी की कानून जी की बना करके देश में जी की लागू किया गया है, उस चीज का अंदरूनी जी की विरोध जी की कैसे जी की हो रही है। डिटेक्टर चाहिए, आप डिटेक्टर के समर्थन में हैं या विरोध में हैं, आप हमें कमेंट जरूर करके बताइएगा। लेकिन डिटेक्टर जी की साग सब्जी नहीं है जिससे जी की आप स्वीकार कर रहे हैं। यह एक ऐसा जी की चीज है जो आन जाने पर क्या जी की असर पड़ता है देश पर और क्या असर पड़ेगा जी की यहाँ के नागरिक पर, आप अन्य देशों की तुलना करके आप देख सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, मैं जी की यह कहना चाहता हूं कि जब इस्तीफा दे दिया गया है अरुण गोयल जी के तरफ से और राष्ट्रपति जी ने उसे स्वीकार कर लिया है, तो क्या यह इस्तीफा किसी दबाव के कारण दिया गया है या स्वतः चुनाव आयोग से वह इस्तीफा देना चाहते हैं? अगर चुनाव आयोग से इस्तीफा देना चाहते हैं तो उसके पीछे का रीजन आप स्वयं पता लगाइएगा कि क्या कोई दबाव है या वह चुनाव आयोग से इस्तीफा देकर फिर चुनाव में, बाकी आप समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। कहीं ऐसा जी के अनुमान जी की तो नहीं है कि जब देश के जज उतर सकते हैं चुनाव में तो चुनाव आयोग उतर सकता है या नहीं उतर सकता है? और दूसरी बात कि धुआंधार रैली जे की जारी है, एकदम जोर शोर से जे की रैली जारी है और जे की मोबाइल से जे की सर्वे जे की जारी है। चुनाव आयोग अपना जे की एक प्रकार से सर्वे करे या लोगों को समझाए कि आपको वोट कैसे करना है, यह विषय एक अलग विषय है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है जैसे लोगों को यह बातें जानकारी हो, इस बात का शंका जी के पैदा हो कि चुनाव आने से पहले चुनाव किसी को जिता दिया जाए। यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चुनावी सर्वे बता रही है कि मोदी के सामने कोई नहीं, सिर्फ मोदी ही हैं जो देश चला सकते हैं, देश में कुछ भी संभव कर सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। और यह डिटेक्टर इनसे जुड़ा हुआ है क्या, इसके बारे में आप सर्च जरूर कीजिए। क्या एक मोदी जी को ला करके देश की जनता संतुष्ट नहीं है, जो चाहती है कि देश में डिटेक्टर आए? और डिटेक्टर आता भी है तो आप बताइए कि कौन बनेगा? उस चीज को आप पसंद करते हैं कि नहीं पसंद करते हैं? दोस्तों, इस देश को और इस देश में रहने वाले नागरिक को कितना मेहनत करना पड़ा है इसका अंदाजा आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको लग जाए। इतिहासकारों ने वो चीजें जो कि बताया है जिससे रूह कांप जाएगी, आप अगर जो कि पढ़ेंगे आप जानकारी रखेंगे। इस देश के लिए कितनी कड़ी मेहनत और कितने परिश्रम करने के बाद यह देश आज इस स्थिति पर पहुंचा हुआ है। लेकिन जब से इस तरीका से राजनीतिक माहौल कुछ
रंग बदला है, तब से आज तक बहुत कुछ जी की बदलती नजर आ रही है। पहले एक नाम जोड़ा जाता था, मोदी के बाद योगी, लेकिन अब उससे पहले 2024 का चुनाव बीतने से पहले एक विदेशी सर्वे ने यह साफ कर दिया है कि अब योगी नहीं, अब कुछ और। तो देश में आप किस तरीका से इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिटेक्टर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं तो इसके पीछे जो भी रीजन हो, उस रीजन का विरोध जी की लोग करते थे, लेकिन विरोध करने से किसी प्रकार से कोई असर नहीं पड़ती दिखाई देती, फिर भी लोग ये सोचते हैं कि चलो अच्छा है। लेकिन जब से यह खबर जी के सामने आई है डिटेक्टर वाली, यह एक रूह कपा देने वाला खबर है। इस खबर को नजरअंदाज किया जाए तो यह एक बहुत मूर्खता की बात होगी, क्योंकि ऐसा जे कि देश बनाने के लिए आज कहते हैं जे कि नरेंद्र मोदी जी कि मैंने बहुत जे की मेहनत किया है, मैंने चाय बेचा है, मैं ज्योतिष हूं, मैंने जे कि भिक्षा मांगा है, मैं बचपन में मेट्रो देखने गया, तमाम ये बातें जे कि कहने के बाद ऐसा जी कि नहीं लगता है कि डिटेक्टर की आवश्यकता जी की पड़ेगी। लेकिन सब अपने जगह है। SBI अगर बचाव न करें तो इस बात का सामना जी की हो जाएगा कि किसके पास अथाह लोगों की लूटने की क्षमता है। लेकिन SBI जी की बचाने का, स्टेट बैंक बचाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन लगता है ऐसा कि न्यायपालिका अभी देश में है और यह बात लगभग लगभग जी के सामने जी की आ जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कि लोगों के सामने जी की आ जाएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह लोकतंत्र की पावन पर्व में कभी आप भी डुबकी लगाएं। आप पहली बार जो वोट करने जा रहे हैं, आप भी डुबकी लगाएं और वोट यह सोच कर ना दें कि जो व्यक्ति देश हित में कार्य नहीं कर रहा है उसे वोट करना चाहिए। यह सोचकर वोट करें कि जो देश हित में जो कि कार्य करें उसे वोट करें। और बखूबी जानते हैं कि दिखावे में मोदी जी और देश हित में कोई काम, और इस बात का निर्णय आपके हाथों में है, आप निर्णय कर सकते हैं। आपका वोट है, आप वोट दे सकते हैं। धन्यवाद।